अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे, अपने होमवर्क्स अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग मैथ्स टुडे। प्लीज़ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 76। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर ऑन पेज नंबर 75। आई एम सॉरी। So you can see that there are so many questions on the screen, which are related to sums, which are sums basically. तो हम division practice कर रहे हैं आजकल। I'm sure कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे questions. And if you face any difficulty, just keep going through the previous videos, day one, chapter number 8 का, वहाँ से देखें। और जो homework मिलता है, जो questions हम करते हैं class में, उन्हें practice कीजिए। Inshallah you will find it easier to solve questions. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिवाइड करना है 6 को 36 से। ओके, सो वी हैव टू डिवाइड 36। अब ये थोड़ा हाउस ऑफ डिवीजन का मेथड है बेसिकली, विच इज़ इट इज़ आल्सो वेरी इजी इफ़ यू हैव लर्नड टेबल्स मल्टीप्लिकेशन के। अगर आपने टेबल्स लर्न करे होंगे तो आई एम श्योर यू विल बी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड एज यू ऑल नो, हम लोगों ने क्लासेस में माशाल्लाह से 8 टाइम्स टेबल तक वी हैव लर्न tables from 2 till 8. So I'm sure कि आप लोगों को याद होंगे tables, and if not then go, first of all go and revise the tables, because अब division में हमें tables की बहुत ज़रूरत आने वाली है. Okay? तो अब आपने यहाँ क्या करना है, you have to divide 6 from 36. If you have 36 candies and total number of friends are 6, 36 कैंडीज को डिवाइड करना है 6 फ्रेंड्स में। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 6 टाइम्स टेबल पढ़ना शुरू करें। 6 टाइम्स वनजा से लेकर 6 टाइम्स जब आप करेंगे 6 आर 36। 6 टाइम्स वनजा 6, 6 टूज आर 12, 6 थ्रीज आर 18, 6 फोर्स आर 24, 6 फाइव आर 30, 6 आर 36, 6 आर 36, 6 सो जब आप डिवाइड करेंगे आई एम सॉरी, यू विल सी 36 कैंडीज इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। इससे हमें क्या पता चला कि अगर आपके पास 36 कैंडीज हैं, 6 टोटल फ्रेंड्स हैं, तो हर फ्रेंड को कितनी कैंडी मिलेगी? 6 कैंडीज ईच विल गेट। अगर आपको अगर आपको ये चेक करना है हाउ 36 कैंडी ड्रॉ कर, लाइक डॉट्स बनाएं या लाइंस ड्रॉ करें और कोई भी मेथड या बंटीज लें, 36 बंटीज काउंट करें और उन्हें 6 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करें, तो आप देख लेंगे 6 का 6 सेट्स बनेंगे और ईच 6 सेट के पास कितनी बंटी आएगी? 6 उनको ऑल टुगेदर काउंट करें, 36 बन जाएंगे। तो एडिशन भी एक तरीका होता है वेरीफाई करने का, मगर उसमें टाइम बहुत लगता है। दैट्स वाई वी स्विच टूवर्ड्स मल्टीप्लीकेशन, विच इज़ क्विकर एंड ईजियर वे। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ 8। हमें डिवाइड करना है 40 से। इफ़ वी हैव 40 कैंडीज एंड टोटल 8 फ्रेंड्स, हाउ मैनी कैंडीज ईच फ्रेंड विल गेट? 8 फ्रेंड्स हैं हमारे, 8 फ्रेंड्स हैं टोटल, 40 कैंडीज हैं ऑल टुगेदर, तो हम किस तरह डिवाइड करेंगे? स्टार्ट रीडिंग 8 टाइम्स टेबल, एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर 8 टाइम्स टेबल इट्स ओके, डोंट गेट वरीड। ओके, चैप्टर नंबर 7 निकालिए, रिवाइज कीजिए 7 टाइम्स टेबल, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक्स, ऑन योर मैथ्स बुक। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, लर्न 7 टाइम्स टेबल, एंड जिन बच्चों को याद है वो करना शुरू करते हैं हम। आई एम सॉरी 8 टाइम्स, सॉरी इट्स 10 टाइम्स टेबल, आई एम रियली सॉरी। ओके, पार्डन मी, बट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस इन दिस ग्रुप। 7 टाइम्स 40, तो यहाँ पे आपको 7 टाइम्स टेबल रिवाइज करना है। देखें 7 डिवाइड बाई 42, तो यहाँ पे आपको 7 का टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। And yeah, we have 9 table as well, but it is okay. You guys are very smart and you know how to solve these questions. So jab aap 10 ko divide karenge 50 se, 10 times 5 will give you 50. Agar aapke paas 50 candies hain,
10 friends हैं, each friend will get 5 candies. Okay? And yeah, 9/9 divided by 63, you all have to do on your own. And I want you all to start doing this question with me. 7 divided by 42, 7 times table read कीजिए. 7 times 6 will give you 42, which means if you have 42 candies and you have 7 friends, each friend will get 6 candies. 7 6 are 42. So the next remaining part of these questions, I want you all to do on your own and keep practicing, okay? And after practicing, take screenshots and send your to our class teachers. We will meet in next class, inshallah. Till then, take good care of yourselves and goodbye. Thank you.